जो घटना, जो हादसा, जो दरिंदगी हम लोगों ने देखने का काम किया है, उसके बाद से हम लोगों का खून खौलता है और सब लोग यही चाहते हैं कि ऐसे दरिंदगों को हम लोग फांसी के जल्द से जल्द चढ़ाने का काम करें और उन बच्चियों के साथ हम लोग इंसाफ और न्याय कराने का काम करें और आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। मंच पे सभी हमारे विपक्ष के आप देखो नेतागण, अभिभावकगण, मीडिया के लोगों, नौजवान युवा साथियों, माताएं बहनों, मैं सबसे पहले आज जो जंतर मंतर पे आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने आज ये साबित कर दिया है कि कोई कितना भी रसूख वाला क्यों ना हो, कोई कितना भी पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, अन्याय जो है वो सबके सामने आता है और जो दोषी है ये जज्बा कायम हुआ है आप लोगों के आने से कि इन दोषियों को, उन गुनहगारों को हम लोग जेल के पीछे भेजने का काम करेंगे और फांसी पे चढ़ाने का काम करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बालिका ग्रीन में जो हुआ, शेल्टर होम उन बेसहारा बच्चियों के लिए रखा गया था जिनका कोई अपना नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई दोस्त नहीं। उन बेचारी बेसहारा बच्चियों के साथ जिस प्रकार से दरिंदगी की गई, लगातार शोषण पे शोषण होता रहा और सरकार के नाक के नीचे होता रहा और शोषण करने वाले को सरकार द्वारा लगातार फंडिंग किया गया क्योंकि वो सरकार के करीबी जैसे माने जाने वाले लोग हैं और कोई कार्रवाई नहीं होता। हम जिंदा समाज में रहते हैं, जिंदा व्यक्ति हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि कहीं भी अन्याय हो तो वहां हम लोग उठ करके आवाज को खड़ा करें, मजबूती के साथ रखें और न्याय दिलाने का काम करें। जो घटना उन बच्चियों के साथ हुई है, हमारी भी साथ साथ बहनें हैं, मेरी माँ है, मेरी बहनों की बेटियां हैं। आप जरा सोचिए अगर उनके साथ या आपकी माताएं बहनों के साथ अगर ये हादसा होता, फिर भी उनके लिए तो हम लोग हैं लेकिन उन बेचारा बेसहारा बच्चियों का तो कोई भी नहीं था। आज हम लोग आवाज उठाते हैं तो लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टंट, पॉलिटिकली ये किया जा रहा है और मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि ये जो धरना जो है ये नॉन पॉलिटिकल होगा और इसमें जो लोग भी जिंदा समाज में जिंदा व्यक्ति हैं, जो गुनहगारों को सजा दिलाना चाहते हैं वो एकजुट होने का काम करें। आपको हम बता दें इस केस के बारे में लगातार बिहार विधानसभा में कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी, हम पार्टी, लगातार हम लोगों ने कार्य स्थगन हाउस के अंदर लाने का काम किया। गया से लेकर के साइकिल मार्च पट्टा के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया और आज हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पे इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हमारे चाचा का अंतरात्मा नहीं जागा, हमारे चाचा वरना बात बात पे उनकी अंतरात्मा जागा। अंतरात्मा इसलिए नहीं जाग रहा है, कहते हैं सुशासन का राज है, कानून का राज है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश जी, चाचा जी, आपसे कुछ सवाल है। जो देश की जनता जो आक्रोशित है, जो हादसा जो बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान दुनिया भर में चर्चार हुआ है, आपसे जवाब चाहती है और मैंने आपको बोला था कि आपकी चुप्पी को तोड़वा के रहूंगा। आपने कल आपने चुप्पी तोड़ी, आपने कहा कि आपको दर्द हुआ, दुख हुआ, लेकिन फिर भी ब्रजेश ठाकुर पे आपने FIR के नाम क्यों हटवाने का काम किया?
आपको बता दें समाज कल्याण विभाग का जो एफआईआर था, जो मुख्य आरोपी था ब्रिजेश ठाकुर, उसमें एफआईआर में नाम नहीं। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है उसमें भी ब्रिजेश ठाकुर का नाम नहीं रहता है। और आपको बता दें पहले बाल कमीशन का रिपोर्ट आया था कई महीनों पहले कि ये जगह शेल्टर होम लायक नहीं है, और सरकार का खुद का गाइडलाइन है कि रेसिडेंशियल इलाकों में होम शेल्टर होम नहीं होना चाहिए। लेकिन नीतीश जी समाज कल्याण पदाधिकारी तो हर हफ्ते जाया करते थे, आपके कई जिला के अधिकारी लगातार मुआयना करने जाते थे, आपके पास क्या रिपोर्ट भेजा करते थे ये आप बताने का काम कीजिए। आप ये बताइए कि जब टाटा इंस्टीट्यूट सोशल का जब ऑडिट रिपोर्ट आया तो उसके दो महीने बाद आपने एफआईआर क्यों किया? क्या हम ये नहीं समझे कि आप सृजन घोटाले की तरह इसमें भी आप सबूतों को नष्ट करने का काम कर रहे थे, अपने चाहते अधिकारियों को भेज करके और गुनहगारों को बचाने का आपने काम किया? हम लोगों ने कई बार आवाज उठाया तो बीजेपी के लोग, डबल इंजन की सरकार वाले लोग, जो कि इंजन अपराध और भ्रष्टाचार में लग गया है ना कि विकास में, वो लोग कैसे से किए अफवाह उड़ा रहे हैं। विपक्ष के लोगों को कोई काम नहीं है। जब पीएमसीएच का 29 बच्चियों का रेप जब पुष्टि हो गया तब भी सरकार हरकत में नहीं आई, तब से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और अभी तक आरोपियों को जो ब्रिजेश ठाकुर उसको पुलिस रिमांड में भी नहीं लिया गया। कितनी दर्दनाक बात है। ये मुख्यमंत्री है, ये हमारे चाचा है जो सुशासन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। पूरी तरीके से मैं बिहारी होने के नाते मेरा सर्व माथा सर्व से झुक गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में जंगल राज नहीं राक्षस राज आ गया है। तेरी दुर्योधन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है, रावण सीता का अपहरण कर रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ये सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। लेकिन आपको पूछना चाहते हैं नीतीश जी और कुछ सवाल है, क्या 2013 में ब्रिजेश ठाकुर जनता दल यूनाइटेड आपका पार्टी ज्वाइन किया था कि नहीं किया था? क्या वो अभी भी आपके पार्टी में है कि नहीं है? क्या 2014 के लोकसभा चुनाव में ब्रिजेश ठाकुर ने आपका मंच को संचालित करने का काम किया था कि नहीं किया था? क्या ब्रिजेश ठाकुर के घर आप खाने पे गए थे कि नहीं गए थे? आप ये देश की जनता को बताने का काम कीजिए। हम हटाने की मांग नहीं करेंगे, उनके इस्तीफे की मांग नहीं करेंगे। जनता सब कुछ देख रही है, अब सारा जिम्मेदारी आप जनता के हाथों में है। आप देख लीजिए ऐसी निकम्मी सरकार जो दरिंदुओं को संरक्षण देने का काम कर रही है, अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। क्या आप ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हैं जो बिहार को बर्बाद कर दे? चार साल में चार सरकार बनाते हैं, बात बात पर पलटी मारने का काम करते हैं, लेकिन आप बच्चियों की बात करने वाले कथनी और कर्दी में कितना अंतर है? बच्ची सुरक्षा की बात करने वाले, लड़कियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने की बात करने वाले, आपके नाक के नीचे ये सारा काम होता रहा, आप चुपचाप देखते रहे। आप बताइए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो बच्ची सबसे ज्यादा जानकारी जानती थी जिसके साथ ये हादसा हुआ, उसको तुरंत मुजफ्फरपुर से मधुबनी के होम शेल्टर में ट्रांसफर कर दिया गया, और वहां ट्रांसफर करने के बाद अभी भी उन बच्ची का कोई खबर नहीं है। मार करके फेंक दिया गया है या लापता है, कुछ नहीं पता। जो सब जानती थी जिसके साथ हुआ, और बाद में ये पता चला कि जो मधुबनी का जो शेल्टर होम जो चलाने का काम होता है, नीतीश जी के करीबी खाचम खास नेता संजय झा का पीए चलाने का काम करता था। नीतीश जी बताओ, जो गवाह थी, जो सब कुछ जानती थी, वो आज कहाँ है? मैं चाहता हूं कि उन बच्चियों की सुरक्षा हो जो 44
بچیاں شیلٹر ہوم میں رہا کرتی تھی وہ کہاں ہے؟ کسی کو اب تک نہیں پتا نتیش کمار جی نے کہاں چھپا کر کے رکھنے کا کام کیا ہے. آپ نے نہ چہرہ دیکھا نہ ہم نے چہرہ دیکھا, کیا پتا کہ بچیاں بدل دی گئی ہیں. بچیاں بدل دی بھی جا سکتی ہیں, پھر کیا ہوگا کیس کا؟ آپ سمجھیے اتنی بڑی گھٹنا ہے. ہم تو مانگ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ان بچیوں کو دلی لایا جائے اور سرکشت استھان پر رکھنے کا کام کیا جائے تاکہ نسپکش جانچ میں وہ پورے سی بی آئی اور کورٹ دوارا جو مانیٹر ہوگا سپریم کورٹ دوارا مانیٹر, ہم مانگ کرتے ہیں تاکہ ان کی نگرانی میں رہے اور سرکشت رہے تاکہ جانچ نسپکش ہو. تو ہم زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے ہم سب سے زیادہ دھنیواد راہل گاندھی جی کو دینا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ سبھی وپکش کے دلوں کے نیتا یتنی صاحب جی, ترویدی جی, جیتن رام مانجھی جی, جی راجا جی اور بھی ہمارے کئی سماجوادی پارٹی کے سبھی ساتھی, سبھی سریندر ناگر جی, تیج پرتاپ جی اور ہمارے ابھیبھاوک شرد یادو جی کو ہم سب لوگ دل سے دھنیواد دیتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں اتنے کم سے, میں نے پرسوں ہی یہ فیصلہ لیا گیا کہ ہم لوگوں کو جنتر متن مارچ کرنا چاہیے تب کی جو نکمی جو سرکار ہے. لیکن میرا ایک شکایت ہے, ایک شکایت بی جے پی مائنڈیڈ میڈیا کے لوگوں سے ہے. میں سبھی میڈیا کے ساتھیوں کو دیکھیں, بہار میں ایک چینل ہے جس نے کیس کا پردہ فاش کرنے کا کام کیا, وہ بھی میڈیا کے ساتھ, ان کو درد نظر آیا. لیکن کچھ ایسے لوگ بہار میں ہیں جو نتیش جی کی تنقید کرنے کا کام کیا اور نتیش جی کو بتانے کا کام کرنے کا کام کیا. صحیح فاش لیک میڈیا کو نہیں بتائی گئی, رپورٹنگ صحیح نہیں کی گئی, ایسے دیش ہمارا آگے نہیں بڑھے گا. اس لیے میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں آپ سبھی لوگوں کا دل سے دھنیواد دیتا ہوں اور راہل جی کو وشیش طور پہ دھنیواد دیتا ہوں, کیجریوال جی کو میں دھنیواد دیتا ہوں, عام پارٹی کے سنجے سنگھ جی کو بھی دھنیواد دیتے ہیں, وہ بھی پہلے آئے اور ہم لوگوں کو سمرتھن دینے کا کام کیا. اس کے لیے میں سب لوگوں کو دل سے بدھائی دیتا ہوں, دھنیواد دیتا ہوں. لیکن میں میڈیا کے ساتھیوں کو بھی دھنیواد دیتا ہوں اور میں آپ سب سے یہی امید کر کر کے میں واپس پٹنہ جاؤں گا کہ آپ لوگ اس لڑائی کو مت چھوڑیے جب تک سپریم کورٹ کی نگرانی میں یہ جانچ نہیں ہوگی, تب تک آپ سمجھ جائیے کہ نشپکش جانچ نہیں ہو سکتا. آج ایک برجیش ٹھاکر کو بچایا جانے کا کام کیا جا رہا ہے, آگے کتنے برجیش ٹھاکر کو ہم لوگ دیکھنے کا کام کریں گے. اس لیے آپ لوگ چوکنے رہیے اور اس لڑائی کو آگے لڑنے کا کام کیجیے مضبوطی کے ساتھ. اور میں ووٹ کی راجنیتی کے لیے نہیں آیا ہوں, ووٹ آپ کو جس کو دینا ہے دینا, وہ آپ کی مرضی ہے, وہ آپ طے کرو گے. لیکن جو مکھیہ منتری 3 مہینے تک اپرادھی چپ بھی نہیں توڑنے کا کام کیا, ایسے لوگوں کو تو سبق سکھانا ہی چاہیے. تو زیادہ کچھ نہ کہہ کے آپ سب لوگوں کو بدھائی دیتا ہوں, دھنیواد کرتا ہوں. جے ہند.